हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आरआरबी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप हमारी साइट खालसा साइंस अकेडमी में भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके, हमारा मोबाइल नंबर है 9646873495। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मैं पढ़ूंगा, उसके कुछ ऑप्शन दिए होंगे और मैं इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरे किया हुआ ये लेक्चर समझ आए और आप सब्सक्राइब कर सके मेरे चैनल को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। ऑप्शंस हैं टू सप्लाई ए सुटेबल डीसी वोल्टेज, टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एंड फोर्थ वन इज टू सप्लाई सुटेबल एसी वोल्टेज। तो हम सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर में दो तरह की कॉइल्स मिलती हैं हमें। फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी कॉइल एंड अदर इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों कॉइल्स हैं, एक आयरन कोर है जो सॉफ्ट आयरन कोर है उस पर लपेटी हुई होती हैं। ठीक है, और जो ये प्राइमरी कॉइल है इसको इसके साथ हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट एसी। क्या होता है? इनपुट एसी। और जो ये इनपुट एसी होती है इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है और सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस होती है? आउटपुट। आउटपुट तो ये एक ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? ये हमेशा एसी लेता है इनपुट में प्राइमरी कॉइल से और आउटपुट में क्या करता है? इन्हें सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट हमें एसी दे देता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? टू सप्लाई सुटेबल डीसी, तो डीसी तो प्रोवाइड लेता ही नहीं है, तो पहला क्वेश्चन गलत। ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। नेक्स्ट एसी इंटू डीसी, इसमें से देख रहे हैं हम एसी से एसी मिल रही है ना कि डीसी मिल रही है। तो लास्ट क्या बचा हमारे पास? टू सप्लाई सुटेबल एसी वोल्टेज। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पार्सेक इज द यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शंस है हमारे पास टाइम, ऑर्बिटल स्पीड, डिस्टेंस और प्रेशर। तो कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पार्सक सेकंड आ रहा है तो वो टाइम का यूनिट है, तो दिस इज रॉन्ग। ध्यान रखें पार्सक इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सक इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी जी एस यूनिट ऑफ हीट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सी जी एस क्या होता है। सी जी एस का मतलब है अगर किसके यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में हो उसे कहते हैं सी जी एस यूनिट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कई बार कि सी जी एस यूनिट क्या होता है। और बात इस कर रहे हैं हीट की, तो हीट क्या होती है? हीट होती है एनर्जी, सॉरी एनर्जी। और एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? पता होगा एनर्जी के यूनिट होते हैं जाउल। और ये जो जाउल यूनिट होते हैं ये होते हैं एसआई सिस्टम। और सीजीएस में क्या होते हैं इसके? अर्ग। अर्ग इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और आल्सो ए सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड, अर्ग। अर्ग इज ए करेक्ट आंसर, राइट।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल द प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स डाउन, दिस ही डज सो एज टू ऑप्शंस है। इसका मतलब क्या है? कहता जब कोई क्रिकेट बॉल प्लेयर है, कोई क्रिकेट का, अगर वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ नीचे क्यों करता है एकदम? ठीक है ना, वहीं पर हाथ खड़े क्यों नहीं रख सकता आपने? तो इसके ऑप्शंस हैं, एनर्जी गेन करने के लिए, प्रोवाइड ग्रेटर इम्पल्स, इम्पल्स ज़्यादा देने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, एक्सेलरेशन को कम करने के लिए, डिक्रीज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स कितने बल लगा रहे हैं और कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे पता लग गया ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स हाथों पर कम लगेगी, चोट कम लगेगी। तो टाइम को बढ़ा देंगे, फोर्स कम लग जाएगा। तो टाइम कैसे बढ़ेगा? इम्पल्स से बढ़ेगा, आई फोर्स इंटू टाइम से। तो हम इम्पल्स को बढ़ा देते हैं। तो राइट आंसर इज टू, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है पिछले आरआरबी में। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, जो हमारा ब्लू कलर होता है स्काई का, वो किस कारणों से होता है? तो इसका आंसर आपको आराम से पता होना चाहिए। पहला डिफ्रैक्शन से, दूसरा पोलराइजेशन से, तीसरा इंटरफेरेंस से और चौथा स्कैटरिंग से। सबसे पहले समझना जरूरी है, जो ब्लू कलर होता है स्काई का, वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? हमें पता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, आपने आपको रेले का फार्मूला पता होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा की पावर। जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो कम स्कैटर करेगा, दिस इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग इज इक्वल टू 1/4 पावर ऑफ लैम्डा। और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है? ब्लू कलर की। ब्लू कलर की वेवलेंथ की तो क्या होती है? ब्लू कलर वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। कैसे पता लगा? आपने प्रिज्म में डिफ्रेक्शन पढ़ा होता है, तो सबसे लास्ट में टूटती है वो होती है वायलेट, दैट इज ब्लू कलर। ठीक है, तो वायलेट कलर टूटने का मतलब है वो, उसकी वेवलेंथ स्मॉल है। अगर उसकी वेवलेंथ स्मॉल है तो वो स्कैटर ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा स्कैटर होगी तो वो फैल जाएगी, हमारा सारा कलर, कोई भी जो लाइट आ रही है सन से, वो सारी तरफ फैल जाएगी। तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू। तो वो आंसर क्या है इसका? स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल, तो वो स्कैटर ज्यादा कर जाती है। तो आंसर इज फोर्थ इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ, मैटर, फोर्स और ग्रेविटेशन। किसका है इसमें इनर्शिया? हमको पता है इनर्शिया क्या होता है, भी कोई भी अगर बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी या अपने मोशन में चलती रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तो किस कर कारण से वो चलती रहेगी या रेस्ट में रहेगी? अपने मास के कारण। तो मास क्या होता है? एक तरह का मैटर। तो राइट आंसर इज मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास